अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेके आए हैं 5 मरला डबल स्टोरी डबल यूनिट हाउस, जो कि अवेलेबल है सेल के लिए। वाकया ये गुरेज 2 के बिल्कुल अपोजिट बोस्तान वैली में है। बहुत ही खूबसूरत इसकी लोकेशन है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस घर को कंस्ट्रक्ट किया गया। आइए चलते हैं, इसका मुकम्मल हम टूर करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कार पोच में खड़े हैं। इजीली आप सेडान कार यहाँ पे पार्क कर सकते हैं, यानी एक बड़ी गड्डी तो इतने पार्क हो जाती। तो फर्स्ट फ्लोर की तरफ इसकी जाती हुई स्टेयर्स और साथ ही इसके नीचे आ जाता है छोटा सा पाउडर रूम। इसके अलावा इस स्पेस को बहुत ही अच्छा यूटिलाइज़ किया गया है। इसके अंदर वाटर टैंक दे दिया गया है, उसके ऊपर कवर रख लेते अपना सामान शामान लेते पाउच अपना। तो अब हम आगे इसके ड्राइंग रूम वाली साइड पर इसका बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग रूम आ जाता है और ग्राउंड फ्लोर की मेन इसकी एक्सेस। अब हम आ गए हैं इसके ड्राइंग रूम में, बहुत ही खूबसूरत इसका ड्राइंग रूम है, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें विंडो दे दी गई है। तो अभी इस साइड को सेपरेट करने के लिए आपको फिर से दिखा रहे हैं, इसका सेपरेट डंडा भी लगाया गया। तो ये खड़े हैं इसके हम लिविंग एरिया में, बहुत ही खूबसूरत वाइट इसका लिविंग एरिया, टॉप पे फॉल सीलिंग बहुत ही डिसेंट, यानी मिक्स कलर कोई नहीं कितने ने एक ही कलर कितना डिसेंट लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। जो अगर मिक्स करो तो वैसे ही अजीब से कलर लोग कर देते हैं, वैसे ज्यादा करते हैं। एक ही कलर करो ना, अपना खर्चा करो ना, बुरा लग सी डिसेंट कलर, खूबसूरत मीडिया वॉल, बहुत ही खूबसूरत इसकी मीडिया वॉल, डिसेंट सा कलर इसका, बहुत ही ज़्यादा आउट कलर्स नहीं किए गए, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अब इसके साथ ही फ्रंट पे आ जाता है किचन इसका। ये स्पेस इसकी ओपन रखी गई है, ये बैक पे बहुत ही डिसेंट सा खूबसूरत सा इसका किचन आ जाता है। मैट फिनिशिंग के साथ इस किचन को बनाया गया, टॉप पे ग्रेनाइट का यूज़ किया गया, बहुत ही खूबसूरत इसकी ग्रेनाइट, इसमें बर्नर और रेंज हुड दो चीज़ें इस्तेमाल की दी हुई हैं। साथ ही आ जाता है इसका बेसन एरिया, यहाँ पे आप इजीली वॉश कर सकते हैं, तो नाल चाहते ही पा सकते हो बाहर की हो रहा है। तो आ जाओ इसका बेडरूम देखिए, ये हम आ गए इसके बेडरूम में, बहुत ही वाइड इसका बेडरूम दे दिया गया। 5 मरले में वैसे इतना खुला डुला बेडरूम नहीं आ सकता, यानी इजीली आपका किंग साइज़ का बेडरूम, किंग साइज़ का बेड इधर लग सकता है। उसके अलावा आप सिटिंग भी इसके फ्रंट में बना सकते हैं। तो इसके साथ ही इसका वार्डरोब एरिया दे दिया गया, खूबसूरत सा बहुत ही डिसेंट कलर्स, बेसिकली इस घर में कलर कम्बिनेशन बहुत ही डिसेंट और लाइट रखे गए हैं, जो कि मुझे ज़ाती तौर पे भी बहुत ही पसंद है। यानी आप बहुत ऑकवर्ड कर लेते हैं कलर्स को, बहुत तेज़ कर लेते हैं तो वो डिसेंट नहीं लगती चीज़, बहुत ही ओवर लगती है। हाँ, हो सकता है कि सिर्फ आपको ये अच्छी लग रही हो, बहरहाल देखने वाले को एक ही कलर की चीज़ बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो बहुत ही कलर कम्बिनेशन, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डीप इसको बनाया गया है वार्डरोब को। इसमें भी छोटे मोटे काम रहते हैं, वो कंप्लीट करवा के आपको दे दिए जाएंगे, जिस तरह इसका हैंडल लगना भी रहता है। बैक पे आ जाता है इसका गीजर, इसका बैक पे आ जाता है इसका गीजर, बहुत ही खूबसूरत इसका गीजर है। यहाँ से आप एक्सेस भी ले सकते हैं, लॉन्ड्री एरिया भी इसको यूज़ कर सकते हैं। टॉप टू बॉटम तक ये ओपन रखा गया है, वेंटिलेशन के लिए बहुत ही अच्छा निज़ाम है। अब यहाँ पर आ जाए तो इसका आ जाता है बाथरूम, बहरहाल बहुत ही अच्छा खूबसूरत बाथरूम है। वेंटिलेशन के लिए साइड पे एरिया भी दे दी गई है, इसमें इंडियन सीट का यूज़ किया गया। ये अब हम आ गए इसके सेकंड बेडरूम में। एज इट इज़ जो वो बेडरूम देखा था इसका साइज वैसा ही है, टॉप पे बहुत ही खूबसूरत इसकी फॉल सीलिंग आ जाती है, वॉलड्रा टॉप टू बॉटम रख दी गई है, बहुत ही खूबसूरत इसकी वॉलड्रा कलर कम्बिनेशन एज इट इज़ बहुत ही खूबसूरत है। विंडो आपको साइड पर देखने को मिल जाएगी वेंटिलेशन के लिए, पॉइंट्स गैस पे दे दिए गए हैं। तो ये इसके साथ ही आ जाता है इसका बाथरूम एरिया। प्राइस आपको नहीं बताएंगे, चैनल आप सब्सक्राइब कोई नहीं करते, जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे एंड पे जाके हम आपको इसकी प्राइस बताएंगे। ये एज इट इज़ रो में एक जैसे घर बनाए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत डिसेंट घर ये बनाए गए हैं। अगर कोई तेल भरा आप ऐसा ही रहना चाहते हैं तो आप इतने आके रह लें, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो उम्मीद करते हैं घर आपको पसंद आया होगा। ऊपर वाला पोर्शन आपको जलाल भी दिखाएंगे, इसकी ओनर डिमांड नहीं बताऊँगा, सब्सक्राइब करें पहले। अब हम आ चुके हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे, इजलान ने कोई नहीं दिखाया ये वाला पोर्शन, इसका माइक 3 दफ़ा गिर चुका था। अब हम आ चुके हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे और ये जा रही है स्टेयर इसकी सतह पर। तो अभी हम चलेंगे इसके बाथरूम वाली साइड पे, इधर भी पाउडर रूम दे दिया गया। बेसिकली इसमें दो बेड्स हैं और 3 बाथ ग्राउंड पे और 3 बाथ अपर दिए गए। तो ये इसके साथ आ जाता है इसका बाथरूम, जिसमें इंडियन सीट का यूज़ किया गया।
कलर कम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट इसमें दे दी गई है। तो शॉर्टली आपको बताऊंगा, ठीक है, थक चुका हूँ इसलिए। ये इसका आ गया बहुत ही खूबसूरत लिविंग एरिया एज इट इज़, जो कि ग्राउंड पे था। ये आ गया इसका किचन एज इट इज़, जो कि ग्राउंड पे था। ये इसकी मीडिया वाल थोड़ी सी चेंज है ग्राउंड के बनिस्बत, बहुत ही डिसेंट है, वैसे खूबसूरत तरीन बनाई गई है, बहुत अच्छी बनाई गई है। ये आ गया इसके हम ड्राइंग रूम में, बहुत ही खूबसूरत इसका ड्राइंग रूम, इजीली 7 सीटर लगा के आप बैठ सकते हैं इधर खुले डुल्ले, ठीक है। साथ ही इसके आ गया रीलिंग, आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये घर बनाया गया है, यानी आप 5 मरले में इतनी खूबसूरत सेटिंग देख रहे हैं, जिसमें बेडरूम का साइज़ वगैरह बहुत ही बेहतरीन और खुला डुल्ला। वॉल एरिया बहुत ही कलर कम्बिनेशन खूबसूरत है एज इट इज़ सेकेंड बेडरूम में भी है। ये आगे इसके हम बाथरूम में, इतने इंग्लिश सीट लाइन है, ठीक है। ये इंग्लिश सीट, दो आपको इंडियन सीट मिल जाएंगी एक फ्लोर पे, ठीक है। दो इंडियन सीट है बेसिकली और एक इंग्लिश सीट इसमें लगाई गई है। साथ साथ एंजॉय भी करें और घर भी देखें, गलना ही सुनो साड़ी पास। ए आ गया ने खूबसूरत जो बेडरूम, बहुत ही खूबसूरत इसकी फॉल सीलिंग और ये इसकी वार्डरोब जो बेसिकली कंसील्ड बनाई गई है। और इसके साथ ही आ जाता है अटैच बाथरूम, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छी है, कलर कॉम्बिनेशन इसकी डिसेंट है, खूबसूरत है, बहुत अच्छी नहीं कह सकते, माजरत सॉरी सच बोलते हैं, यानी ठीक है, डिसेंट कलर कॉम्बिनेशन है, कोई बीमारी कोई नहीं है। अच्छा, तीन इस आपको बताया था ग्राउंड फ्लोर पे कि तीन एज इट इज़ इसमें घर बनाए गए हैं, एज इट इज़ यही सेटअप है। 1,90,00,000 और 1,95,00,000 रुपया डिमांड है, जिसमें बोर है उसमें 1,95,00,000 है। बेसिकली सोसाइटी का इसमें अपना पानी बहुत ही अच्छा आता है घर में। तो अभी यहाँ पे थोड़ी सी बातें इसलिए कर रहे हैं कि अब लोग सुनते कोई नहीं है, पूरी वीडियो आगे ले आते हैं कि इसमें अब प्राइस बताएगा, प्राइस में आखिर में बताया करूँगा और बीच में बता दिया करूँगा। 1,90,00,000 रुपये इसकी ओनर डिमांड है। उम्मीद करते हैं अगर आपको पसंद आया होगा, आज हमारी गपशप भी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि हमने थोड़ा सा बोरिंग हो गया था, चेंज करना था सेटअप, वो हमने आप चेंज किया ताकि आप वीडियोस भी देखा करें और थोड़ा थोड़ा इंजॉय भी किया करें। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।